दोस्तों डेट न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है और आज की डेट न्यूज़ शुरू करते हैं। उससे पहले एक चीज कह देता हूँ कि अगर आज वीडियो में एनर्जी थोड़ी कम होगी तो माफ कर देना, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, छींकें आ रही है, बुखार है, सर्दी खांसी सब कुछ एक साथ हो गया है। और एक और चीज, इस डब्बे को पीछे इग्नोर करना, ठीक है। ज्यादा मिस नहीं करते, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और आज ही रेक्टो यहाँ पे जो वो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। टैग में शुरू करते हैं, उससे पहले फटाफट से आप लोग यहाँ पे डील्स के बारे में बता देते हैं। मंडे थर्सडे सैटरडे हमारा डील्स का दिन होता है। सबसे पहली जो डील आ रही है वो रिबॉक के यहाँ पे बैग की तरफ से आ रही है। 1800 रुपए की ये बैग थी, सिर्फ 612 रुपए में आपको एक रिबॉक की बैग मिल रही है। देख लो कितनी बड़ी बैग है। तो मेरे सबसे अच्छी डील है एचपी की लैपटॉप बैग, आपको 1500 रुपए के आसपास ही सिर्फ 323 रुपए में, क्या बात है, 323 रुपए में आपको मिल रहा है। ये वाली डील मजबूत है। JBL की पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है, 2700 रुपए का था, अभी आपको सिर्फ 1400 रुपए में मिल रहा है। JBL वाले पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर अच्छे होते हैं। साउंड बोर्ड का ईयरफोन है, माइक के साथ में है, आपको 1300 रुपए के आसपास की प्राइस थी, अभी आपको सिर्फ 668 में मिल रहा है। सारे डील्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, जाके फटाफट से परचेस कर लीजिए। तो पहले खबर की बात करें तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे कूलपैड से। कूलपैड भैया ने फाइनली अपना कूलपैड नोट 8 इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है। आज थी 15 अक्टूबर। एक्सपेक्टेड यहाँ पे आप लोग उसमें 5.99 इंच की एक फुल HD प्लस की डिस्प्ले मिलती है, 4GB की रैम मिलती है, 64GB की स्टोरेज मिलती है, 16 प्लस 0.3 मेगापिक्सल का डुअल रियर फेसिंग कैमरा मिलता है। अब कंपनी 2 मेगापिक्सल चिपका रही थी, हमें उससे प्रॉब्लम हो रही थी, तो इन्होंने सबसे एकदम से टॉप लेवल की बात कर दी है, 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा आपको देता है। दूसरा वाला 8 मेगापिक्सल की सेल्फी, 4000mAh की आपको बैटरी मिलती है, मतलब फोन की स्पेसिफिकेशंस अच्छी है तब तक जब तक आप प्रोसेसर नहीं सुनते, MediaTek MT6750T वाला। प्राइस रखी है 10000 रुपए की, मतलब दूसरी कंपनीज क्या करेगी, कोई आटा बेलेगा, कोई रोटियां डालेगा, कोई चक्की में जाएगा, मतलब सब अपना अपना सोच लेंगे, मतलब कूलपैड का ही सब लोग फोन लेंगे। नोट 8 इसको कहीं पे जाना था और गूगल स्ट्रीट व्यू उसने ओपन किया, और आपको पता है कि पैनोरमा आपको 3D व्यू मिलता है स्ट्रीट का, तो यहाँ पे उसने उस स्ट्रीट व्यू के अंदर देख लिया कि इसकी औरत जैसी कोई एक औरत बैठी थी, औरत मतलब इसकी वाइफ जैसी एक औरत बैठी थी बेंच के ऊपर, उसकी गोद में एक आदमी जो लेटा हुआ था, उसका हाथ उसके सर पे था। जी हाँ, इसने सोचा ये साला तो मेरी औरत है, और इसने फिर जाके उसकी वाइफ से क्वेश्चन किया कि ऐसा-ऐसा मैंने सीन देखा था, ऐसा कुछ हुआ था, उसने कमिट करी और इसने फाइनली उसको डाइवोर्स दे दिया। हालांकि ये किस्सा 2013 का था और अभी उसको यहाँ पे स्ट्रीट व्यू के अंदर जो वो दिख गया। जी हाँ, मतलब सोच लीजिए कि क्या सीन यहाँ पे गूगल स्ट्रीट व्यू ने यहाँ पे जो कर दिया, दो लोगों को बिछड़वा दिया। लेकिन एक चीज अच्छा है कि उस औरत को पहले यहाँ पे सोचो, एग्जांपल ऐसा सीन हुआ और जब वो बेंच पे सर टकला उसका था आदमी का, जानो कितना अच्छा आपका सर लग रहा है ना, गूगल क्या उखाड़ तो। और अभी क्या करते हो कि जब उसको डाइवोर्स पेपर मिलेगा तो वाओ कितना अच्छा पेपर है ना, देखो कितना अच्छा है। तो Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है, Xiaomi का जो Redmi Note 6 Pro है, इसका लाइटर वर्जन Note 6 भी यहाँ पे बहुत जल्दी जो वो लॉन्च होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली हम सभी लोगों को पता है कि Note 5 और Note 5 Pro है, तो Note 6 Pro आ गया, तो Note 6 कहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे EEC यानी कि इकोनॉमिक यूरेशियन कमीशन या फिर यूरेशियन इकोनॉमिक कमीशन पे लिस्ट हो गया है, तो Note 6 मॉडल नंबर यहाँ पे आ गया है सामने, मतलब Note 6 आपको देखने को मिलेगा। कुछ जगहों पे इसकी रेंडर्स भी जो सामने आ चुकी है, इसमें नॉच नहीं बल्कि 18:9 वाली आपको डिस्प्ले मिलेगी। साथ में ऐसे रूमर्स भी है कि आपको स्नैपड्रैगन का 710 वाला प्रोसेसर मिलेगा। ये थोड़ा सा हजम नहीं हुआ है, अगर नोट 6 लॉन्च हो जाता था और नोट 6 प्रो की लीक आती 710 के साथ तो हम बोल सकते थे, लेकिन नोट 6 प्रो में जब 636 है तो नोट 6 में 710 कैसे देगा। अब कैसा इसको Xiaomi किस रूप में लेके आएगा ये हमें नहीं पता। नोट 6 प्रो तो सिर्फ थाईलैंड में ही अनाउंस किया गया था, अब उसके बाद कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, जब भी आएगा तभी भी आपको उसके बारे में बता देंगे। अभी इंडियन रेलवे के अंदर अभी आप जब ट्रेन में ट्रेवल करते तो आप लोग के लिए थोड़ी सी यहाँ पे जो रिलीफ जो सामने आ गई है कि क्या होगा कि अगर आपको चलती ट्रेन के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, हैरेसमेंट केस होता है, चोरी वगैरह हो जाती है या कुछ और चीज हो जाती है, तो आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा यहां पे जीरो FIR जो वो फाइल कर सकते हैं। जी हां, जीरो FIR यूजुअली क्या होता है कि अगर आप कहीं पे भी रहते हो तो आप कोई भी लोकल पुलिस स्टेशन में वहां पे जाके जो FIR फाइल कर सकते हैं उसको बोलते हैं जीरो FIR, फिर वो आपके एप्रोप्राइट पुलिस स्टेशन में जो वो ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो ये आपको एक प्रिविलेज मिलता है। आप यहां पे प्ले अप्लाई फ्लाइट नहीं ट्रेन के अंदर आपको जीरो FIR मोबाइल की एप्लीकेशन द्वारा फाइल करने मिलता है, वो डायरेक्टली RPF तक पहुंच जाता है स्टेशन के ऊपर, और फिर TT ये वो सब उसमें जो वो इन्वॉल्व रहेंगे। फिर आप जब स्टेशन पे पहुंचोगे तो आपका तुरंत वहां पे जो वो केस ले लिया जाएगा, पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ता था ये वो। लेकिन बात तो ये है कि अगर आपका फोन ही चोरी हो जाएगा तो आप कैसे एप्लीकेशन के द्वारा जो
ये काम करेंगे। वैसे तो एमपी के अंदर ये शुरू था, अब धीरे धीरे दूसरी सिटीज में भी इंडिया में देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ चीज अच्छी है तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो OnePlus की तरफ से खबर आ रही है, और जब तक OnePlus का नाम आएगा तो OnePlus 6T जुड़ा रहेगा, क्योंकि 30 अक्टूबर को ये लॉन्च हो जाएगा, इंडिया में भी आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये खबर आ रही है कि OnePlus 6T में जो आपको ऑक्सीजन OS मिलेगा ना हमेशा की तरह, उसमें इस बार आपको कुछ अच्छा और इंप्रूव्ड UI जो वो देखने को मिलेगा, नए नए फीचर्स के साथ में जेस्चर सपोर्ट भी जो वो लेके आएगा। मतलब आपको जो इस बार UI मिलेगा ना वो इंप्रूव्ड होगा, काफी फास्ट होगा कंपेयर टू पुराने ऑक्सीजन OS से। अब देखते हैं यहाँ पे OnePlus 6T में उन्होंने कैसा ऑप्टिमाइज किया है, क्या खास इसमें मिलता है, ये तो जब फोन आएगा ना उस दिन ही आपको उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा कुछ छोटे मोटे रोस्ट के साथ में। तो अभी HTC की तरफ से खबर आ रही है, और HTC यहाँ पे बताया जा रहा है कि Exodus करके अपना एक ब्लॉकचेन वाला स्मार्टफोन जो वो लॉन्च करने वाला है 22 अक्टूबर को। जी हाँ, Instagram पे यहाँ पे उन्होंने बता दिया है फाइनली, हालांकि इसको अनाउंस किया था उन्होंने मे के अंदर, और अभी यहाँ पे बोल दिया कि फाइनली वो लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये एक दूसरा फोन होगा, इसके पहले भी एक फोन था, याद नहीं आ रहा मुझे कौन सी कंपनी है जो ब्लॉकचेन के साथ में आया था। ब्लॉकचेन फोन का मतलब ये होता है कि बिटकॉइन से रिलेटेड आप वैसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे इसमें स्पेशली कर सकते हैं। इसके अंदर हार्डवेयर ऐसा होगा, इसका कैपेबिलिटी, इसमें वॉलेट होगा, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस मिलेंगे, वो सारी चीजें स्पेशली जो ब्लॉकचेन से रिलेटेड आपको इसमें मिलेगी। अब देखते हैं इसकी क्या प्राइस होती है, क्या कुछ खास आपको इस फोन में देखने को मिलता है, ये मैं आपको 22 अक्टूबर को ही बताऊंगा। तो यहां पे एप्पल की तरफ से खबर आ रही है, और एप्पल का जो वॉच सीरीज 4 है यहां पे इसके अंदर इंडियन प्राइसिंग जो वो सामने आ चुकी है। जी हां, 40,000 रुपए से इसकी 40,900 रुपए के आसपास इसकी जो वो प्राइस स्टार्ट होगी, 40mm 44mm वगैरह की आपको मिलती है, सिर्फ GPS की मैं बात कर रहा हूं, और सेल्यूलर जो होगा वो थोड़ा सा और ज्यादा आपको 5-10,000 रुपए जो वो देने पड़ेंगे। जी हां, तो एप्पल वॉच सीरीज 4 अगर आप प्लानिंग कर रहे थे इंडिया के अंदर, अगर आपके पास वॉच सीरीज 3 थी तो 4 पे अपग्रेड करना है तो आप जाके इसको कर सकते हैं। अभी आप सोच रहे हैं टेक्नोलॉजी इतना अच्छा कैसे होगा कि अपग्रेड करने के लिए बोल रहा है, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो यहां पे पनामा के अंदर बताया जा रहा है कि एक लड़की ने जो वो सुसाइड कर लिया सेल्फी लेते लेते। जी हां, अभी आप सोच रहे हैं सेल्फी लेते लेते उसने सुसाइड क्यों किया, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप 27 माले की बिल्डिंग में खड़े हुए बाहर गैलरी में आके अगर आप सेल्फी लेने की कोशिश करते अच्छा व्यू दिखाने के लिए, अगर आप गिर जाते आपकी मौत हो जाती है, तो ये सुसाइड ही होता है। ये कुछ नई बात नहीं है, इंडिया में भी दरिया पानी जब आता है, बारिश होती है, तो बहुत लोग एकदम कोने में चले जाते हैं और फोटो खींच के बताते हैं कितना अंदर आ गया ना, कितना मतलब उसको रिवॉर्ड्स मिल रहे होंगे, कितने अचीवमेंट उसने अनलॉक किया रहेगा, इस हिसाब से खुद तो मर जाते हैं लेकिन घर वाले जो पीछे होते हैं उनको तकलीफ में डाल के चले जाते हैं। अब ये 27 फ्लोर के ऊपर खड़े रहकर सेल्फी ली, दो बच्चे की मां थी, खुद तो चल दी, बच्चों को तकलीफ में डाल दी। तो यहां पे IRCTC सही बोला ना, हां, इसके अंदर आप लोग अभी यहां पे एक ऐसा फीचर मिल रहा है, पहले तो फिलहाल के लिए डेस्कटॉप मोड में अवेलेबल है, बाद में आपको एप्लीकेशन में मोबाइल में आ जाएगा। आपको आस्क दिशा करके एक बॉट मिल रहा है, मतलब आप वेबसाइट पे जाएंगे ना तो चैट बॉट रहेगा ये आस्क दिशा करके, तो IRCTC के अंदर आप जाके चैट करेंगे, आपके हर सवालों को यहां पे ये जवाब देगा। जी हां, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा काम करता है, बहुत इसको ट्रेन करके उन्होंने यहां पे रख दिया है। तो अगर आप IRCTC में जाते हैं आपको आसपास घबराहट होगी कि मैं किससे बात करूं, फोन पे जाएंगे तो फोन वो बिजी चलता रहता है, तो सीधा सीधा चैट बॉट को ओपन करो, उससे पूछो, जो आपको पूछना है वो आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेगा। अभी मुझे उसको टेस्ट एक्चुअली में नहीं किया हो। तो अभी वीवो की तरफ से खबर आ रही है, और वीवो का यहां पे कार्निवल फेस्टिवल यहां पे जो शुरू हो चुका है 15 से 18 अक्टूबर तक का, जहां पे आप लोग को वीवो का V9 प्रो, वीवो के V11 प्रो, वीवो का V9, वीवो का Y83, इन सारे स्मार्टफोन्स के ऊपर अच्छे खासे ऑफर्स मिल रहे हैं। मतलब डिस्काउंट तो वैसे कुछ खास नहीं मिल रहा है, वीवो का V9 प्रो वही 7990 का है जो एक्चुअली में 99 समथिंग तक था, और बाकी के सब फोन्स के ऊपर आपको फ्री ब्लूटूथ मिल रहा है, किसी में स्क्रीन रिप्लेसमेंट मिल रही है, किसी में क्या मिल रहा है। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे थे ना वीवो के फोन्स परचेस करने के लिए, तो 15 से 18 अक्टूबर के बीच में आप जाइए कहीं पे भी ऑनलाइन और इन फोन्स को परचेस कर लीजिए, क्या पता आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो फायदा हो जाएगा। क्या आपको मैं बताया कि 2004 के अंदर सैमसंग को मौका मिला था एंड्रॉइड को परचेस करने के लिए। जी हाँ, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को परचेस करने के लिए 2004 में सैमसंग को मौका मिला था, लेकिन सैमसंग को लगा यार इसमें कुछ खास मजा नहीं आ रहा है, उसने उसको छोड़ दिया, और उसके 2 हफ्ते बाद ही गूगल ने उसको एक्वायर्ड कर लिया। सोच लो, आज की न्यूज़ में खत्म होती, उम्मीद करता आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।